हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी मीडियम, और जो हमारा अभी रिसेंटली जो चैप्टर चल रहा है धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका थर्ड पार्ट। एक बार 5 मिनट में अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में आपसे बात कर लूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने बायो सेवर्ट के नियम तक पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हमने बायो सेवर्ट के नियम का 2 एप्लीकेशन पढ़ा, 2 डेरिवेशन देखा। आपने दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देख के उसकी तैयारी कर ली होगी। तो हमारा थर्ड पार्ट है ये, जिसमें हम एम्पियर के परिपथी नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। इसमें हमारे बोर्ड एग्जाम में सभी बोर्ड में वेटेज बहुत होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन बहुत हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखूँ, नीट और IIT JEE के हिसाब से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम और उसकी एप्लीकेशन भी, ठीक है। तो ये है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी मतलब सर्किट। जिस तरह से हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा, उसी तरह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर, पहले मैंने बताया था एम्पियर के तैरने का नियम आपको बताया था स्टार्टिंग में। उसी एम्पियर ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया। और ये नियम क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नियम का कथन। बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप सबसे पहले उसके कथन को लिखेंगे। नियम का कथन मतलब स्टेटमेंट, इस तरह से। वैसे आपको मालूम है, आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी PDF नोट्स प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में आके आप देख सकते हैं। 1 by 1 मैं स्टार्टिंग के चैप्टर से डालते जा रहा हूँ, तो नोट्स का भी आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से अच्छे से समझिए, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरी हैंड राइटिंग में आपको नोट्स अवेलेबल है। तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड आइडियल नोट्स है जो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप उस लैंग्वेज को फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कथन लिखना होता है। तो एम्पियर ने अपने कथन में क्या बताया, ये बताने से पहले मैं आपको उसके सर्किट बता दूँ। देखो, ये बात मैं हमेशा आपसे चर्चा करता हूँ कि कभी भी किसी भी वैज्ञानिक के नियम को आप रटो मत, सबसे पहले उसको चित्र के सिचुएशन के हिसाब से तैयार करो। देखिए, मैं ये आपको बता दूं, फिर मैं उसके कथन को आपको बताऊंगा। ये एक धारावाही चालक है, और इस धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। हमको मालूम है, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस चालक में हमने सपोज I धारा प्रवाहित किया है, ये इसका केंद्र है, और इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसके केंद्र से सपोज ये R दूरी है, और इस R दूरी पर सपोज हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, और इस स्मॉल एलिमेंट पर, एक छोटे पार्ट पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, और ये है स्मॉल एलिमेंट DL, और टोटल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तो एम्पियर के नियम के अनुसार, इनके कथन के अनुसार, यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब इंटीग्रेशन आप BDL इक्वल टू होता है μ0 × I। यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि यह पृष्ठीय समाकलन है, सरफेस इंटीग्रेशन है। एक बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन कर रहे हैं, इसलिए समाकलन के निशान के बीच में एक गोला बना देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैं फार्मूला लिखा हुआ हूँ, इसी फार्मूला को हम शब्दों में कहेंगे। तो क्या कहेंगे, देखिए, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, पृष्ठीय समाकलन, उस चालक में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए,
किसी चालक पर प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये इसका कथन है जिसको हम यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। ये चित्र है और इसके बाद हम ये जो फार्मूला किए हैं लिखे हैं उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले आप मान लोगे, पूरे वेरिएबल्स को आप लिख लोगे कि माना कि चालक में प्रवाहित धारा I है, इसकी त्रिज्या R है, R दूरी पर सरपृष्ठ में एक स्मॉल एलिमेंट DL है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B है, ये सब लिख लेंगे। अब हमको मालूम है, हमने बायो सेवर्ट के नियम के पहले एप्लीकेशन में, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाए तो उससे डी दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने फार्मूला निकाला है। उस फार्मूला का अपन यूज करें तो चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चालक है और चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। ये फार्मूला हमने बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से, वहाँ पर हम दूरी को d लिए थे। इसलिए देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि आप पूरे वीडियो, खासकर यदि किसी चैप्टर के वीडियो के अलग अलग वॉल्यूम है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो प्रॉपर वे में आप उसको देखिए। बीच से अचानक यहाँ से यदि कोई स्टूडेंट एंट्री कर रहा होगा तो वो यहाँ से मत पढ़े, वो बिगिनिंग से पढ़े तो उसको समझ में आएगा, और शुरू से पढ़ लिया है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले चैप्टर का टॉपिक है। अब हम इसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर हम इसको L के रेस्पेक्ट में दोनों साइड का समाकलन करते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r dl। ये हमने दोनों साइड का dl के सापेक्ष में क्या किया, समाकलन किया। अब बाएं पक्ष को हम वैसे ही रहने देते हैं और दाएं पक्ष को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, समाकलन के बाहर कर देंगे। तो पूरी की पूरी राशि जिसको मैंने सर्कल किया वो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाए तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का वैल्यू कितना होगा। इंटीग्रेशन मतलब होता है, समाकलन मतलब होता है सबको जोड़ना, समाकलन मतलब जोड़ना होता है। यहाँ पर ये स्मॉल एलिमेंट है और ऐसे छोटे 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 पूरे एलिमेंट्स को यदि जोड़ दिया जाए तो वृत्त कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से एक्चुअल में ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है, डी एल का जो समाकलन है वह क्या है, पूरे वृत्त की परिधि है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि मतलब 2πr। क्लियर। आगे इसको हम सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये r इस r के साथ में कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 2 इंटू 2 4 और पाई, तो 4 पाई इनके साथ में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से राइट साइड में सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा म्यू नॉट और यहाँ से बचेगा क्या, आई। और यही बहुत छोटा सा प्रूफ है, यही क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और उसके बाद उसका समाकलन करने पर हमको ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला दिया था, उसी प्रकार से एम्पियर ने अपने परिपथी नियम की सहायता से ये संबंध दिया। ये हुआ नियम। अब हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि इस एम्पियर के परिपथी नियम का क्या अनुप्रयोग है। क्लियर। इसके तीन एप्लीकेशन है, तीन अनुप्रयोग हैं। एक एक करके हम इसके अनुप्रयोग को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल रेखीय चालक या रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहां पर यही फिगर रिपीट होगा, इसलिए इसको मैं
इरेज नहीं कर रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ इसको मैं। अभी आपने देखा है कि सरल रेखीय चालक के सहायता से ही हमने इस फार्मूला को डिराइव किया है, और यदि हम चाहें तो उसी फार्मूला को इसकी सहायता से हम डिराइव कर सकते हैं, उसका अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका एप्लीकेशन, ये जिसमें पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन अपन लिखते हैं सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका हमको गणना करना है, सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करना एम्पियर के परिपथी नियम का पहला अनुप्रयोग। सरल रेखीय चालक इन द सेंस ये सरल रेखीय चालक है, इसीलिए मैंने इस चित्र को यहां से नहीं मिटाया। कि अब हम मान लेंगे कि माना कि एक सरल रेखीय चालक है, सरल रेखीय चालक से r दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट छोटा पार्ट dl है, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लो क्या है, ये b है, हमने मान लिया। अब हम एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से हम सरल रेखीय चालक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की r दूरी पर गणना करेंगे। तो इसके गणना में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पियर के परिपथी नियम से सीधा लिखेंगे, चूंकि एम्पियर के परिपथी नियम से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई, ये हम जानते हैं, अभी हमने एम्पियर के परिपथी नियम में ये बात पढ़ा है। दैट इंप्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो बी नियतांक है, उसको बाहर कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन आप यहाँ लगा सकते हैं, इक्वल ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। दैट इंप्लाइज अब यहाँ पर आप देखिए बी इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये जो वैल्यू है अभी मैंने आपको बताया इसके पहले टॉपिक में कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब होता है पूरे वृत्त की परिधि, ये छोटे 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 सभी पार्टों का योग। तो वृत्त की परिधि को हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई आर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टू पाई आर इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करें तो b को लेफ्ट साइड में छोड़ के इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू ये नीचे ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर इंटू आई। अब इसको थोड़ा हम एडजस्टमेंट कर दें, इसमें दो का गुणा दो का भाग कर दें तो हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट दो का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, यहाँ दो का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2i, इस r को मैं यहाँ लिख दूँ तो r, अभी हम इसी की सहायता से इसको डिराइव किए हैं। और बायो सेवर्ट के नियम से भी आपको पता है कि किसी सरल रेखीय चालक के कारण चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 2i अपन r। मतलब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा ये जो एम्पियर का परिपथी नियम है जिस फार्मूला से खुद डिराइव हुआ है हम इसकी सहायता से उसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो फिजिक्स में वाइस वर्सा होता है, जिसके कारण जो डिराइव होता है उसको उल्टा भी प्रूफ किया जा सकता है। तो पहला एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग है सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना। क्लियर, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है लेकिन एम्पियर देखिए एक चैप्टर ऐसा है जिसमें दो साइंटिस्ट ऐसे हैं, एक बायो सेवर्ट जो हमने पहले पढ़ा और दूसरा एम्पियर, ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन 101% आप चाहे किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट रहें यदि आपके सिलेबस में टॉपिक है तो यह एग्जाम में आने के लिए एनी टाइम इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन, दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है टोराइड। टोराइड क्या होता है, नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा टोराइड किस तरह की आकृति है, मैं भी आपको समझा देता हूँ कि टोराइड क्या होता है। आपने स्प्रिंग ने तो स्प्रिंग को सबने देखा है, या अपन जो पेन यूज़ करते हैं टिप टॉप पेन यूज़ करते हैं उसके सामने में स्प्रिंग आपने देखा होगा,
सेकंड एप्लीकेशन लिख दें अपन, एप्लीकेशन नंबर टू, टोराइड। इंग्लिश में भी इसको टोराइड बोलते हैं, TORROID, टोरोइड, टोराइड, कई तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। हिंदी में भी इसको टोराइड बोला जाता है। अब ये है क्या, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है, सपोज ये है एक स्प्रिंग है, इस फॉर्म में है। अब इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, इसको दोनों कॉर्नर को पकड़ा और इस स्प्रिंग का हमने इस तरह से एक वृत्त बना दिया, ऐसा। इसी स्प्रिंग को ऐसा मोड़ दिया, माने स्प्रिंग तो ऑलरेडी है, स्प्रिंग का स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है। अब उसको पकड़े और उसका एक सर्कल बना दिया ऐसा, ठीक है। आप कई बार ऐसा बचपन में खेले होंगे, अभी भी देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, पेन के सामने में जो स्प्रिंग लगा होता है उसको जो सीधा रहता है उसको खींच देते हैं, लंबा कर देते हैं और पकड़ के दोनों एंड को जोड़ देते हैं, तो एक सर्कल बन जाता है। ऐसा हर बच्चा करता है मुझे मालूम है। तो वो जो डिजाइन बनता है, वो जो शेप बनता है, उसी शेप को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। तो इसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। देखिए, तो ये शेप का नाम है टोराइड ना। अब आप समझ गए होंगे कि टोराइड कोई बहुत अद्भुत चीज नहीं है, डिजाइन का नाम है। अब हम उसको बना लेते हैं इस तरह से। देखिए, पहले मैं डॉटेड लाइन से एक सर्कल बना लूं, ये ऐसा फिगर बनाएंगे आप। ये इसका सेंटर का रेडियस है और यहां पर हम टोराइड को बनाते हैं इस तरह से। और ये जो ब्लूइंग से मैं बनाया हूं उसका अक्ष है सपोज, और ये इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ये आई, ये इसका सेंटर है और इसका जो रेडियस है सेंटर तक वो सपोज स्मॉल आर है। इस प्रकार से देखिए, जब हम इस शेप में, इस टोराइड में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैं पूरे चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही है धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको और समझ में आएगा जब आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, मोटर, डायनेमो, जनरेटर वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो ये चैप्टर का टोटल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसीलिए इस चैप्टर को हर स्टूडेंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कंबाइंड कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब आप विद्युत धारा भी पढ़ रहे हो और चुंबकत्व भी पढ़ रहे हो, और जितना मोटर डिजाइन किया गया, जो भी जनरेटर, डायनेमो, हम पंखा, कूलर जो भी बनाए, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आगे आप धीरे धीरे उस बात को समझो। एक्चुअल में 12th का फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यदि आपको मजे के साथ वो समझ में आ रहा हो तो, खासकर इसके बाद जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, आधुनिक भौतिकी पढ़ेंगे, जहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार है यदि आप उसमें इंजॉय करेंगे। तो इन चीज़ों को उस तरह से आप समझते जाइए बिना किसी बर्डन के। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं जैसा कोई बर्डन नहीं है, आप उस टॉपिक के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट। यदि आपको इंटरेस्ट है तो टॉपिक अपने आप बिजी हो जाएगा। क्लियर? मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो समझने के लिए, तो हर बुक में, हर टीचर के पास वही चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, नेचुरली इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो उसकी हम गणना करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। क्लियर? तो यहाँ हम गणना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चूंकि हम एम्पियर के परिपथ नियम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी नियम को पहले लिखेंगे अपन, एम्पियर के परिपथ नियम से। एम्पियर के परिपथी नियम से क्या जानते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, म्यू नॉट इंटू आई जो हमने पढ़ा है वो एक इस तरह से सीधी रेखा के कारण है, रेखी चालक के कारण है। लेकिन यहाँ पर आप देखो इस तरह से क्या किया गया है, इसको टोरॉइड बनाया गया है। तो मान लो यहाँ पर ये जो लगाए गए हैं उसमें एन फेरे हैं। एन फेरे मतलब ये जो गोल 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 घुमा के कुंडली बनाया गया है उसको एन बार लपेटा गया है। मतलब तार में फेरों की संख्या कितनी है, एन इकाई लंबाई में, ठीक है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, एन। तो टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी, एक सर्कल है और सर्कल की टोटल लंबाई कितनी होती है, परिधि। कई बार स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि सर वृत्त की लंबाई कैसे होगी,
कई बार क्लास में कई स्टूडेंट मुझसे पूछे सर आप वृत्त की लंबाई बोल रहे हैं, वृत्त की लंबाई कैसे होगी, तो ऐसे गोलाकार चीज़ है। वृत्त की लंबाई होती है कैसे, सपोज ये सर्कल है, इसको मैं काट दिया, सपोज आपके पास कोई तार है गोल, उसको आप काट दिए और इसको यहाँ से काटने के बाद इसको पकड़ के मैं सीधा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये क्या है, अभी मैं कहूँ तो इसकी परिधि है 2πr, और ये परिधि तो लंबा हो गया, ये भी क्या हो गया 2πr हो गया। आगे समझ में आपको, मतलब एक्चुअल में जो कोई वृत्ति तार है उसको काट के सीधा तार बना दें तो इसकी जो परिधि इसकी लंबाई के बराबर होती है, तो वृत्त की लंबाई होती है जो उसकी परिधि के बराबर होती है। तो कभी भी आपको वृत्त की लंबाई बोले तो आप कंफ्यूजन में मत आना कि वृत्त की लंबाई क्या होती है, वृत्त की परिधि ही उसकी लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर कुल तार जो हम यूज में ला रहे हैं वो कितना हो जाएगा, तार की टोटल लंबाई 2πr और इनटू इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है n, तो 2πr में फेरों की संख्या n इंटू आई। तो यहाँ पर आप केयर करना कि भले एम्पियर के परिपथी नियम में म्यू नॉट इंटू आई आता है लेकिन ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तारों की संख्या हो गई जो उसको लपेटा गया, बाइंडिंग किया गया। आगे अपन मोटर वगैरह पढ़ेंगे बताएंगे बाइंडिंग इस तरह से होता है। अब आगे बस कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इस लाइन को हम सॉल्व कर दें, दैट इम्प्लाइज बी को बाहर कर दिया तो अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा, ये हो गया म्यू नॉट इंटू 2πr इंटू एन इंटू आई, दैट इम्प्लाइज बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आप कई बार पढ़ चुके हैं कितना होगा 2πr, ये हो गया म्यू नॉट इंटू 2πr इंटू आई सॉरी एन ना 2πr इंटू एन इंटू आई, ये हो गया। अब आप देखिए दोनों साइड से हम इस 2πr और इस 2πr को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट करा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हमको फार्मूला के बहुत छोटा फार्मूला है, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यह है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। देखिए दो दो लाइन में डिराइव हो रहा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी ये एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो इसके साथ में एम्पियर के परिपथी नियम को पूछता है, क्वेश्चन इस तरह से होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट जनरली इस तरह से होगा, एम्पियर के परिपथी नियम को लिखो तथा उसकी सहायता से टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, क्लियर। तो ये है टोराइड या टोरॉइड, कई तरह से हिंदी मीडियम के बुक में टोराइड भी लिखा रहता है लेकिन इंग्लिश में टोरॉइड बोलते हैं, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना। ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं परिनालिका, क्लियर। तो हम तीसरा एप्लीकेशन अब पढ़ते हैं परिनालिका सोलेनाइड। तो परिनालिका क्या है, देखो अभी मैंने जिस स्प्रिंग की बात की थी, जिस स्प्रिंग को पकड़ के हमने सर्कल बना दिया और उसको टोराइड कह दिया, वही है परिनालिका। तो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन परिनालिका। सोलेनाइड परिनालिका। तो परिनालिका क्या होता है, देखो अभी जो मैंने बताया था, ये मैंने स्प्रिंग की बात की थी आपसे इस तरह से कि ये सपोज ये परिनालिका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रिसिटी का। यदि वह सर्कुलर फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन में हो तो ये परिनालिका कहलाता है, और इसी के दोनों एंड को पकड़ के यदि हम सर्कल बना दिए तो टोराइड कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट भाग को अपने दिमाग में बिठाइए कि टोरॉइड और परिनालिका अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ है, देखना भी फार्मूला भी दोनों का सेम आएगा। तो यदि वह स्ट्रेट फॉर्म में हो, स्ट्रेट फॉर्म में हो, सीधी रेखा के फॉर्म में हो तो उसका नाम परिनालिका हो जाता है, और उसी को पकड़ के यदि हम एक सर्कल बना दें तो उसी डिजाइन का नाम क्या हो जाता है, जैसा ही मैंने आपको बताया कि एक तार यदि इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में हो वृत्ति है और काट के सीधा बना दिया तो तार है, उसी प्रकार से यदि इस स्प्रिंग नुमा डिजाइन को यदि हम सीधा रखें तो परिनालिका कहलाता है और उसको वृत्ताकार बना दिया तो टोरॉइड कहलाता है।
और इसीलिए दोनों का फार्मूला सेम आता है। अभी आप ध्यान रखना, अभी हमने फार्मूला निकाला b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ए इंटू एन इंटू आई, अभी भी फार्मूला वही आएगा। अब चूंकि स्प्रिंग बना के हमको फार्मूला कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो सीधा उसको हम एक पाइप के फॉर्म में बना देंगे। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैं चित्र बना रहा हूँ वो इस तरह से, ये हमने इसको परिनाली का मान लिया। अब इसमें तार लपेटा गया है जिसको दिखाया नहीं गया है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इस प्रकार से इसमें, या मैं आपको हल्के डिजाइन से बता दूं तो ध्यान रखना, इसमें इस तरह से ये तार लपेटा गया है, ये गोल गोल इसमें तार लपेटा गया है, क्लियर। अब यहाँ पर ये इसका अक्ष है, और अक्ष के किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके बाहर एक वर्गाकार, वर्ग के आकार का एक बंद पृष्ठ ले लिया, और इस बंद पृष्ठ का हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ये वर्ग का आकार का है, और इसके एक भुजा की जो लंबाई है, एक भुजा की लंबाई उसको एल ले लिया। इसको हम स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि हमको इंटीग्रेशन में भी लिखना होगा, वो सब चलता है स्मॉल कैपिटल का मतलब, ये ए बी सी डी ले लिया। अब ये एक बंद पृष्ठ है, और इसी बंद पृष्ठ के अंदर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसका गणना थोड़ा सा लंबा जाएगा, इंटीग्रेशन जरूरत होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी हम एम्पियर का परिपथ नियम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले एक निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। वो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, यहाँ पर दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, अदिश गुणा के रूप में, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो अदिश राशि है। इक्वल टू हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यदि हम बंद पृष्ठ को स्टार्ट करें तो ए सी बी, इसको लिख सकते हैं ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, मतलब यहाँ से यहाँ तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी, माने यहाँ से यहाँ तक बी डी एल, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब सी से डी, सी से डी बी डी एल, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अब डी से ए, डी से ए बी डी एल। ये मैंने जो लिखा है उसको आप ध्यान से समझिए, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, टोटल उस बंद पृष्ठ का समाकलन, मतलब लेफ्ट साइड में जो लिखा गया है वो पूरा ए बी सी डी का समाकलन है, जिसको हमने चार पार्ट में बांट दिया, पहले ए से बी तक का, फिर बी से सी तक का, फिर सी से डी तक का, फिर डी से ए तक, मतलब ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर है, ये कंप्लीट एक साथ है, और ये अलग अलग भुजाओं के पार्ट के फॉर्म में है। तो इसको हम चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि ऐसा होता है। ये कहाँ से है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी बड़े इंटीग्रेशन को लिमिट को चेंज कर करके पार्ट पार्ट में, इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज इसको लिखा गया है। आगे अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब इसको डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व किया जाए तो आपको मालूम है कि सदिश बीजगणित का फार्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। ये सब मैं अपने मैथमेटिक्स के वीडियो में बनाया हुआ हूँ, जिसको आपको बार बार देखने के लिए मैं याद दिलाता हूँ। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में सदिश, सेकंड नंबर का मेरा वीडियो है, वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, मैंने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब वहाँ पर समझाया हुआ है। तो इस फार्मूला को यहाँ पर यूज़ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ए टू बी, बी ये है बी डी एल, बी और डी एल का डॉट प्रोडक्ट, तो हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा प्लस बी टू सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस डी टू ए बी डी एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सब में थीटा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर सब में थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा, कैसे, यहाँ पर आप चित्र को देखिए, या मैं नेक्स्ट लाइन में सुधार देता हूँ। चलिए, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल
ए टू बी, बी डी एल, ये जो कॉस थीटा है, अब यहां पर ध्यान देना चित्र में, ए टू बी और ये जो रेखा है ए बी, वह अक्ष के क्या है, समानांतर है, और हम अक्ष के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो चूंकि ए बी रेखा अक्ष के समानांतर है, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, कॉस 0, ये हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री प्लस, अब यहां चले आइए बी टू सी बी डी एल कॉस, अब यहां पर कोण कितना हो देखो, ये बी सी के लिए, बी से सी के लिए, तो जो बी सी लाइन है वह अक्ष पर क्या है, लंबवत है, देखिए 90 डिग्री है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी। यहां पर सी टू डी में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सी डी लाइन है वह क्या है, परिनालिका के बाहर है, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो यहां पर हम ये जो बी है उसके वैल्यू को 0 लिख सकते हैं, डी एल कॉस 0 हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा डी टू ए बी डी एल, इस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा देखो, अब हम चले आए किसमें, डी ए में, तो डी ए भी क्या है, अक्ष के लंबवत है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया कॉस 90 डिग्री। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा ए टू बी बी डी एल प्लस कॉस 90 होता है 0, तो इसके 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 हो गया, प्लस ये इसके कारण 0 हो जाएगा, प्लस ये कॉस 90 यहाँ 0 होगा, तो तीसरा भी 0 हो गया, कुल मिला के पहले के छोड़ के ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दैट इम्प्लाइज, अब आगे हम इसमें सॉल्व करें, तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे एम्पियर के परिपथी नियम से, यहाँ पर लगाएंगे अपन एम्पियर का परिपथी नियम, अभी तक नियम नहीं लगा था, तो एम्पियर का परिपथी नियम हम किस साइड में लगाएंगे, ये बाएं पक्ष में लगाएंगे। तो हमको पता है एम्पियर के परिपथी नियम से बी डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू, अब इसमें जैसे इसके पहले टोरॉइड में हमने 2πr इंटू एन का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस फिगर में देखो, इस फिगर में ये जो रेड इंक से मैंने तार की बाइंडिंग बनाई हुई है, तो सपोज इकाई लंबाई में n बार तार लपेटा गया है, क्लियर, सपोज इकाई लंबाई में n बार तार लपेटा गया है, तो हमने यहाँ पर कितना लंबाई यूज किया है, l लंबाई, तो l लंबाई में कितने बार तार लपेटा जाएगा, एन एल, इकाई लंबाई में एन बार तार लपेटा गया है, तो एल लंबाई में एन एल बार तार लपेटा जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन इंटू एल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया एन एल और इंटू आई, दैट इक्वल, अब इसका जो वैल्यू है वो बी को यदि हम बाहर कर दें, बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, देखिए वृत्त होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को मैं क्या बोलता था, 2πr, वृत्त होने से, लेकिन सरल रेखा है तो सरल रेखा में इंटीग्रेशन ऑफ डी एल किसके बराबर हो जाएगा, एल के, सर्कल में वह 2πr के बराबर होता है और सीधी रेखा में वह लंबाई के बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, एल, दैट इम्प्लाइज, अब दोनों को हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो ये बाएं पक्ष से एल और दाएं पक्ष से एल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मैं बी को बाएं तरफ लिख रहा हूँ, तो बी बराबर दाएं इस तरफ बचा हुआ है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, आपको याद आ रहा होगा कि हमने टोरॉइड में भी यही फार्मूला निकाला था, क्लियर, तो ये हो गया परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनालिका टोरॉइड दोनों सेम चीज़ है, बस परिनालिका एक सीधी रेखा के फॉर्म में होता है और टोरॉइड क्या होता है, वृत्त की फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो तीसरा पार्ट का वीडियो पढ़ाया, इसमें एम्पियर का परिपथी नियम और उसका अनुप्रयोग पढ़ाया। इस तरह से मैं अपने सभी वीडियो को प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वहाँ स्टार्ट करता हूँ और एंड करता हूँ कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो एम्पियर का परिपथी नियम और उसका अनुप्रयोग एक कंप्लीट टॉपिक है, इसके बाद हम इसके 4th नंबर में वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे इसके आगे के टॉपिक। ओके, थैंक यू।